एक रात हरिया और उसका बेटा बबलू आपस में बात कर रहे थे। गांव में सभी खेतों में इस बार अच्छी फसल हुई है, उन्हें शहर में बेचकर हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। पापा, अगर हम ट्रैक्टर खरीद लें तो हम एक बार में 3 गुना ज्यादा अनाज शहर ले जा सकते हैं, जितना हम एक बार में बैलगाड़ी से लेकर जाते हैं। तुमने बहुत सही बात कही है बबलू। मैंने सुना है कि बगल वाले गांव में एक आदमी अपना ट्रैक्टर बेचना चाहता है। ठीक है पापा, इससे पहले कि कोई और ट्रैक्टर खरीद ले जाए, हमें चलकर ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए। हाँ, हम कल सुबह ही चलेंगे, रास्ते में बैंक से पैसे निकाल कर ट्रैक्टर लेते आएंगे। अगली सुबह हरिया अपने बेटे बबलू के साथ ट्रैक्टर ले आया और वह अपने घर पहुंचा ही था कि यह खबर सुनकर हरिया के चारों दोस्त मदन, सोहन, कपिल और लखन उससे मिलने आए। अरे हरिया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम आराम से अपनी फसल शहर की मंडी में ले जाकर बेचेंगे। अरे मेरी फसल तो बिल्कुल ही तैयार है, मैं कल ही शहर जाने के लिए तैयार हूँ। ये लो हरिया, ये 500 रुपए एडवांस रख लो, बाकी के पैसे मैं फसल बिक जाने पर दे दूंगा। अरे भाई सोहन, पैसे की बिल्कुल चिंता ना करो, ये तो अपने घर की बात है। कुछ भी कहो भैया, ये ट्रैक्टर तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है, आज खरीद कर लाए और आज ही तुम्हारी कमाई की बोहनी भी हो गई। ऐसा है तो लगे हाथ तुम भी अपने फसल की ढुलाई के लिए एडवांस पेमेंट कर दो। अच्छा, हम सब चलते हैं, खेतों में बहुत काम है। अरे रुको, मुंह तो मीठा करते जाओ। बबलू बेटा, घर से गुड़ लेके तो आओ, सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ठीक है पापा। रात में हरिया खा पीकर जल्दी ही सो गया, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे अपना ट्रैक्टर लेकर सोहन के खेत पर जाना था। अगली सुबह हरिया के जगने के पहले ही कोई आकर उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उफ़ो, इतनी सुबह कौन सी आफत आ गई, इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है। आता हूँ आता हूँ। अरे मुखिया जी, आप? राम राम मुखिया जी, क्या बात है, आप सभी लोग एक साथ इतनी सुबह सुबह। राम राम हरिया, ये दुआ सलाम तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुमने जो काम किया है वो सही नहीं किया है। मैंने क्या किया है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे हरिया, तूने दोस्ती के नाम पर धोखा किया है, तूने अपने ट्रैक्टर से मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी, मेरे पूरे साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है? नहीं नहीं सोहन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो कल जल्दी ही सो गया था ताकि सुबह सुबह ही तुम्हारे खेत से फसल उठाकर शहर निकल जाऊं, भला मैं तुम्हारी फसल क्यों बर्बाद करूंगा। झूठ मत बोल हरिया, मेरे खेत की सारी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया है तूने, और खेतों में ट्रैक्टर के पहिए के निशान भी मिले हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपने ट्रैक्टर से फसलों को बर्बाद करो। सारा गांव जानता है कि तुमने कल ट्रैक्टर खरीदा है। लेकिन मुखिया जी, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे ट्रैक्टर के पहिए में खेत की मिट्टी कैसे लगी हुई है? हाँ हाँ, पहिए में मिट्टी लगी हुई तो है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, और ट्रैक्टर की चाबी भी मेरे पास ही थी। झूठ बोलकर तुम अपने गुनाह से बच नहीं सकते हरिया। अरे देखते क्या हो, पकड़ लो इसे और मेरी कोठरी में बंद कर दो, कल पुलिस को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अरे लेकिन मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। अरे कल जब पुलिस आएगी तो वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। और गांव के लोगों ने हरिया को एक कोठरी में बंद कर दिया। हरिया रोता रहा मगर किसी ने उसकी एक न सुनी।
लेकिन अगले दिन फिर से हंगामा हो गया। अरे मुखिया जी, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरी फसल भी किसी ने बर्बाद कर दी है। पूरे के पूरे खेत को ट्रैक्टर से रौंद दिया है। लेकिन हरिया तो कोठरी में बंद है। ये कोई और है मुखिया जी, जो हमने हरिया को गलत पकड़ लिया है। असली अपराधी तो बाहर घूम रहा है। ये जो कोई भी है, वो हरिया के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके फसलों को बर्बाद कर रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हाँ, पकड़ने के लिए हमें कोई जाल बिछाना पड़ेगा। मुखिया चाचा, मेरे पास एक आइडिया है। आप कहोगे तो बताऊंगा। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता निर्दोष हैं। आप लोगों को पहले मेरे पिता को छोड़ना पड़ेगा। बबलू बेटा, हम समझ गए हैं कि हरिया निर्दोष है। हमसे गलती हो गई है, हम उसे छोड़ने ही वाले थे। ठीक है मुखिया चाचा, ये जो कोई भी आदमी फसलों को बर्बाद कर रहा है, वो मेरा ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है। अगर सभी लोग रात में मेरे ट्रैक्टर की निगरानी करें तो पता लग जाएगा कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। बबलू बिल्कुल सही बोल रहा है। आज रात में 4-5 लोग हरिया के ट्रैक्टर की निगरानी करेंगे और उसके आसपास कोई भी भटका तो उसे पकड़ लेंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं रात होते ही मदन, कपिल और सोहन को भी लेता आऊंगा। रात में सभी लोग छुपकर ट्रैक्टर की निगरानी करने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और ट्रैक्टर पर बैठ गई। चुड़ैल को देखकर सभी डर गए और उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। चुड़ैल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और वहां से चली गई। चुड़ैल के जाने के काफी देर बाद तक भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला। आधे घंटे के बाद चुड़ैल ट्रैक्टर लेकर आई और हरिया के घर के सामने खड़ा कर दिया और उड़ते हुए वापस अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव में फिर से हल्ला हो गया। इस बार मदन के खेत की फसल को रौंद दिया गया था। अरे, अब तो मैं भी बर्बाद हो गया। मेरी तो शादी भी होने वाली थी। फसल को बेचकर जो पैसा मिलने वाला था, उससे मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने का सोचा था। अरे पहले ट्रैक्टर वाली चुड़ैल से निपट लेते हैं, फिर तुम्हारी शादी भी देख लेंगे। मुखिया चाचा, मेरे पास एक आइडिया है। आप कहोगे तो बताऊंगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बताओ क्या आइडिया है। मुखिया जी, अगर हम ट्रैक्टर को किसी के घर के खंबे से बांध दें, तो वो चुड़ैल ट्रैक्टर को कहीं भी नहीं ले जा पाएगी। बबलू का आइडिया बहुत बढ़िया है। हम लोहे की जंजीर ट्रैक्टर के पीछे बांध देंगे और फिर उस जंजीर को मेरे घर के खंबे से बांध देंगे। ठीक है, आज शाम में ही ये काम किया जाएगा। शाम के समय सभी लोग कपिल के घर के सामने इकट्ठे हुए। कपिल ने ट्रैक्टर के पीछे जंजीर बांधी और उसका दूसरा सिरा अपने घर के खंभे से बांध दिया। इसके बाद सभी छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, अंधेरे में से निकलकर चुड़ैल आई और ट्रैक्टर पर बैठ गई। चुड़ैल ने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उसे ले जाने लगी, लेकिन ट्रैक्टर जरा सा भी नहीं हिला। आज मुझे 3 खेतों का फसल रौंदना है और ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रहा है? तो गांव वालों ने इस ट्रैक्टर को जंजीर से बांधा है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो मेरे क्रोध से बच जाएंगे। मैं अभी अपनी ताकत का नमूना दिखाती हूँ। और फिर चुड़ैल ने पूरी ताकत से ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया। चुड़ैल का ये गुस्से वाला रूप देखकर सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन सभी मुखिया के घर पर फिर से इकट्ठे हुए। अरे उस चुड़ैल ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मेरे खेत को भी रौंद दिया और मेरे घर भी। मैं तो बर्बाद होने के साथ साथ बेघर भी हो गया। दुख की बात तो है ये, और इस दुख की घड़ी में
पूरा गांव तुम्हारे साथ है कपिल। मुखिया जी, मेरा दुख तो अब उसी दिन जाएगा जब हम इस चुड़ैल से छुटकारा पालेंगे और किसी और के खेत की फसल बर्बाद ना हो। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगा इस ट्रैक्टर वाली चुड़ैल से छुटकारा दिलाने का। मुखिया चाचा, अगर हम ट्रैक्टर के चक्के की हवा निकाल दें तो चुड़ैल वो ट्रैक्टर कहीं भी नहीं ले जा पाएगी। हाँ, बबलू सही बोल रहा है, आज हम ट्रैक्टर के चक्के की हवा ही निकाल देंगे। अभी चलते हैं, अभी हवा निकालेंगे। सारे लोग ट्रैक्टर के पास पहुंचे और उसके चक्के की हवा निकालने लगे। अब देखते हैं वो चुड़ैल कैसे ले जाती है ट्रैक्टर को हमारे खेतों का नाश करने के लिए। उस रात फिर चुड़ैल आई। आते ही उसने देख लिया कि ट्रैक्टर के चक्कों की हवा निकाली जा चुकी है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। ये गांव वाले अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक समझ रहे हैं। इन्हें अपनी ताकत का एक और नमूना दिखाना पड़ेगा। इन चक्कों में तो फूंक मार कर ही हवा भर सकती हूँ मैं। आज मैं इस ट्रैक्टर से गांव की सारी सड़कें खराब कर दूंगी। अगले दिन फिर सभी मुखिया के घर पर इकट्ठे हुए। अरे ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। हम डाल डाल चल रहे हैं और ये पात पात चल रही है। क्या करें इस चुड़ैल का? मुखिया चाचा, क्यों ना हम ट्रैक्टर की स्टेयरिंग खोलकर हटा दें? बिना स्टेयरिंग चुड़ैल तो क्या कोई भी ट्रैक्टर को नहीं चला सकता है। और फिर मुखिया ने मैकेनिक बुलाकर ट्रैक्टर की स्टेयरिंग हटवा दी। उस रात फिर चुड़ैल आई। सबसे पहले उसने चक्के की हवा चेक की। आज एक भी चक्के की हवा नहीं निकाली है गांव वालों ने। अगर निकाली होती तो मैं इन सबको रौंद देती। ये क्या, इसकी तो स्टेयरिंग ही गायब है। ये गांव वाले तो बहुत ही कमीने हैं। एक चुड़ैल को इतना परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं ट्रैक्टर लेकर ही जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये सब इस गांव के मुखिया के कहने पर हो रहा है ना। आज मैं इस मुखिया को ही सबक सिखाऊंगी। गांव वाले छुपकर चुड़ैल की सारी कारस्तानी देख रहे थे। उसके जाते ही सभी बाहर निकल आए। ये चुड़ैल डरावनी तो है ही, साथ ही साथ बहुत जिद्दी और खतरनाक भी है। इसको ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मुखिया चाचा, एक बात आपने नोटिस की है? इस चुड़ैल ने सिर्फ खेतों को नुकसान पहुंचाया है, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, बहुत शरीफ चुड़ैल लग रही है ये तो। और आज तो ट्रैक्टर को ही सर पर उठा ले गई। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो चलकर उसे पकड़ते हैं। वाह चाचा, मैंने बताया कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो उसे पकड़ने की बात कर रहे हो? नहीं तो सिर्फ छुप छुप कर ही देख रहे थे। चलो चलो सब, नहीं तो दूर निकल जाएगी। सिर पर ट्रैक्टर उठाए चुड़ैल मुखिया के घर के सामने पहुंची ही थी कि गांव वालों ने लाठी डंडे लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया। ओ चुड़ैल, ये ट्रैक्टर नीचे रखकर अपने आप को हमारे हवाले कर दे। पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो हमारे साथ? हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये मेरे पति का है। मेरे पति ने बहुत ही
की मेहनत से पाई पाई जोड़कर ट्रैक्टर खरीदा था। लेकिन मैंने तो इसे बगल वाले गांव के कालिया से खरीदा है। उसने तो बताया कि ये ट्रैक्टर उसके एक रिश्तेदार का है जो पैसे की जरूरत आ जाने के कारण इसे बेच रहा है। झूठ बोल रहा है वो। उसने ही मेरे पति की हत्या की है और उसकी लाश को ले जाकर खेतों में गाड़ दिया था। एक चुड़ैल का पति इंसान था? बेवकूफ आदमी, मैं भी इंसान ही थी, लेकिन उस कालिया ने मेरी भी हत्या कर दी और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन तुम हमारे खेतों को बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं, और मैं अपने पति को खोजने के लिए सारी दुनिया के खेतों को खोद मारूंगी। मेरे पास एक आइडिया है जिसे आपको सारी दुनिया के खेतों में भी नहीं खोजना पड़ेगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम इस बच्चे की बात एक बार सुन लो, अगर पसंद ना आए तो जो जी में आए करना। ठीक है, अगर मुझे इसकी बात पसंद नहीं आई तो मैं इस बच्चे को अपने साथ लेती जाऊंगी, बता देती हूँ। हम कालिया के बारे में पुलिस को बताएंगे और फिर पुलिस कालिया से पता लगा लेगी कि उसने आपके पति की हत्या करके कहां पर रखा है, और उसके बाद हम तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं तुम सबको एक दिन का समय दे सकती हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन मुखिया की सूचना पर पुलिस ने कालिया को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। उसके बाद गांव वालों ने चुड़ैल के पति का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया। उसके बाद ट्रैक्टर वाली चुड़ैल ने कभी भी किसी की फसल को बर्बाद नहीं किया। गांव में फिर से शांति छा गई थी।